इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में द्रौपदी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट द्वारा आयोजित द्रौपदी महोत्सव को 20 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसके लिए द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट की अध्यक्ष को हार्दिक शुभकामना। उन्होंने कहा कि द्रौपदी के जीवन चरित्र से हम समाज की महिलाओं में आत्मनिर्भरता, सम्मान, गौरव, संयम से नई प्रेरणा का संचार कर सकते हैं। द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्री द्रौपदी महोत्सव, जिसकी यात्रा को 20 वर्ष हो चुके हैं, मैं इसके लिए इस द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट के अध्यक्ष नीरा मिश्रा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने भारतीय संस्कृति, सभ्यता, विरासत और हमारे आध्यात्मिक धर्म के संदेश के साथ द्रौपदी के जीवन, उनके चरित्र के बारे में देश को अवगत कराने का काम किया। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई। द्रौपदी के जीवन चरित्र के बारे में और द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट के बारे में सुना तो मेरी उत्सुकता हुई। रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर राम के बारे में, सीता के बारे में, कृष्ण के बारे में, अर्जुन के बारे में और विभिन्न जो उस समय महाभारत से लेकर, रामायण से लेकर जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें सबके बारे में अपने अपने विचार, उनके विचारों को, उनके उस समय संदेशों को, उनके आध्यात्मिक ज्ञान दर्शन को हम सब ने समय समय पर सुना था। लेकिन मेरी उत्सुकता थी कि द्रौपदी के बारे में, उनके जीवन के बारे में और द्रौपदी के जीवन चरित्र से इस समाज के महिलाओं में आत्मनिर्भरता, सम्मान, गौरव, संयम रहना और किस तरीके से परिवार को संभाल कर चलना और उनके आदेशों की पालना करना, कितना उस समय उन्होंने अपने जीवन को परिवार के प्रति समर्पण किया और जो परिवार ने वादा किया, जो निर्णय किया, उस निर्णय की पालना की, उनके जीवन चरित्र को जितना अध्ययन करते हैं, जितनी उनके जीवन दर्शन को पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि उनके जीवन दर्शन से आज के वर्तमान समाज के अंदर हम महिलाओं में नई प्रेरणा ला सकते हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, हमारी विरासत, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान और हमारे आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से समाज के अंदर उस ज्ञान दर्शन की दिशा से व्यक्ति को जीना और उस ज्ञान दर्शन से लोगों को जीने की सत्य नैतिकता का मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना, आज यही हमारी शक्ति और सामर्थ्य दुनिया के अंदर कि हम हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी विविधता, हमारी कल्चर, हमारी लोकतंत्र प्रणाली के साथ हमारे कार्य व्यवहार में लोकतंत्र, ये हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से रहे हैं, जिसके कारण हमारे देश के अंदर हमारी सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्म को कई पीढ़ियों तक समाप्त करने का काम किया। लेकिन हमारी पीढ़ियों को के कई प्रयासों के बाद भी न भारत की संस्कृति समाप्त हुई, न भारत का आध्यात्मिक ज्ञान समाप्त हुआ और न हमारी विरासत को कोई मिटा सका। जितने हम पर आक्रमण हुए, उतने ही भारत के अंदर हमारी विरासत, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान, हमारी संस्कृति और वैभव होती चली गई और यही कारण है कि आज भारत का समृद्ध गौरवशाली इतिहास भी है और हमारी गौरवशाली विरासत भी है और हम सब हमारी गौरवशाली विरासत, हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति पे गर्व करते हैं और दुनिया भी भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक ज्ञान, शांति, आंतरिक चेतना के माध्यम से काम करना, हमारे कई सारे पहलुओं जो दुनिया आज मान रही है, आज योग दुनिया मान रही है, चिकित्सा की आयुर्वेद पद्धति मान रही है, जितनी भी हमारी पुरानी विरासत पद्धति थी, उन विरासत पद्धतियों पर आज दुनिया आ रही है। ये हमारी गौरवशाली इतिहास की हमारी सामर्थ्य और शक्ति है और इसीलिए आप जैसे लोग जो समय समय पर हमारे ग्रंथ के बारे में, हमारे पुराण के बारे में, महाभारत के अलग अलग चित्र के बारे में, आप जैसे लोगों ने समाज को एक नया दर्शन देने का काम किया है, जिसके कारण विशेष रूप से मैं आपको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि आपने द्रौपदी पर पूरा अनुसंधान किया, रिसर्च किया और द्रौपदी के उस जीवन के उस कालखंड को आज की परिस्थिति के अंदर महिलाओं को प्रेरणा मिले
इसके लिए आपका काम बहुत सराहनीय है। मैं इस कार्यक्रम के लिए आप सबको शुभकामना देता हूँ।